नमस्कार दोस्तों, यहां पर जो आप भिन्न का सवाल देख रहे हैं इसको हल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्टेड अगर हैं आप तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तरीका हमारा क्या है भाई, जब भी आपको ऐसी भिन्नों को गुणा करना हो, ठीक है, जब भी आपको ऐसी भिन्नों को गुणा करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या नहीं। तो देखिए यहां से 5 से 10 कट जाएगा, ठीक है भाई, 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो यहां पर देखिए 5 एकम 5 और यहां पर हो जाएगा 5 दुनी 10। क्लियर है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए कोई संख्या कटेगी नहीं, ठीक है, नहीं कटेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हमने काट दिया है, अब इसके बाद में कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो यहां पर है 1 तो हमने 1 लिख दिया, बटे में क्या है 7 तो 7 लिख दिया, बीच में गुणा है, इसके बाद में यहां पर 3 है तो ये हो गया 3, बटे में कितना है 2 है। ठीक है, अच्छा अब इतना हो गया, अब इसको गुणा कैसे करना है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 3, और 7 दुनी हो जाएगा 14, तो ये हो गया 14, तो 3/14 जो है ये हमारा क्या हो गया है, आंसर निकल कर आ गया है। चलिए एक और सवाल करते हैं इसी टाइप का ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए 25/16 इसमें आपको गुणा करना है, इसमें आपको मान लीजिए गुणा करना है 9/5 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि कोई संख्या आपस में कट रही है या नहीं कट रही। इसके साथ में मान लीजिए एक और भिन्न है, जैसे कि मान लीजिए 1/2 एक और भिन्न है। ठीक है, अब 3 भिन्न हो गई हैं, तो इनको मान लीजिए अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखिए यहां पर 5 से 25 कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहां पर 5 पंजे 25। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या और कोई संख्या कट रही है, क्या नहीं कट रही है, कोई बात नहीं, अब हम लिख लेते हैं, ऊपर 5 है, नीचे कितना है 16 है, इसके बाद में गुणा यहां पर कितना है 9 है और बटे में 1 है, गुणा यहां पर कितना है 1 है और बटे में 2 है। ठीक है, तो अब तो कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इसको लिख देना है यहां पर, और इसका गुणा इसके साथ, और इसका इसके साथ। ठीक है, तो 5 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 एकम 45, तो यहां पर आ गया कितना 45, और बटे में देखिए 16 दुनी 32, 32 एकम 32, तो नीचे आ जाएगा कितना 32, तो 45/32 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्न का जो गुणा है वो सॉल्व किया जाता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।